हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके सामने फिर कैलकुलेशन का एक वीडियो लेकर आए। कैलकुलेशन समझते हैं कि आपको आँख के प्रश्न जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल में बहुत सारे कैलकुलेशन आते हैं, मतलब चाहे जो भी हो बहुत टाइप के कैलकुलेशन होते हैं। मैं आज भी यहाँ पर कैलकुलेशन लिया हूँ जो कि आपके फिजिक्स से रिलेटेड है, कुछ कुछ अच्छे टॉपिक पर। देखिए, इसमें कई चीज़ें हम समझाएंगे और ये भी आपको बता देते हैं। मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ यार जितने लोग यहाँ पर देखें अभी सब्सक्राइब उसको कर देना, उसको भी सपोर्ट करना। अगर ये वीडियो अच्छा लग जाए तो एक बार जरूर कमेंट भी कर देना। व्हाट्सएप नंबर अभी मैं स्क्रीन पर चलेगा, नहीं तो मैं बोल दूंगा लास्ट में। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इसका बेसिक सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट नीचे है। प्लेलिस्ट चार है, एक है ट्रिकी सॉल्यूशन मैथ बेसिक टू एडवांस और जीरो टू हीरो, एक है आपका न्यूमेरिकल ट्रिकी सॉल्यूशन, मतलब चार प्लेलिस्ट है पक्षांतर वाली। इसमें क्या क्या सीखेंगे ये चीज़ सीखे, पहले ये बात ध्यान दीजिए कि इसमें सीखना क्या क्या है। यहाँ पर सीखना है हमें, ये देखिए पहला पोर्शन जो है इसको हम पक्षांतर सीखेंगे, पक्षांतर सीखेंगे। उसके साथ ही साथ इसमें हम आर का वैल्यू भी निकालेंगे, जो भी हमारा चर है मतलब इसका वैल्यू भी निकालेंगे। इसमें हम दशमलव का गुणा भाग और साथ ही साथ 10 की पावर का भी कैलकुलेशन सीखेंगे। इस न्यूमेरिकल के पार्ट में आपको सीखना है दशमलव का घटाना और भाग और गुणा, तो ये तीन चार चीज़ें इसमें हम सीखेंगे और अच्छी तरीके से सीखेंगे, एकदम आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको लिया एक, देखिए प्लीज़ सपोर्ट करना। मैं इस पर एक बार वीडियो बना चुका था, पूरा बना लिया वीडियो, पर पता नहीं क्यों माइक ना लगने के कारण किसी कारण से आवाज़ नहीं आई, इसलिए मुझे दोबारा इसे वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करिए, मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप भी हमें सपोर्ट करिएगा। देखिए यहाँ पर हम समझाना चाहते हैं, अब आपको ये लग रहा है कि इसको हमें कैसे हल करना है, कि ये कैसे हल हो, तो यहाँ पर हमें देखिए एक चीज़ आपको पता चल रहा होगा अगर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर ये घटाना दिख रहा है और घटाना घट जाएगा क्योंकि एक अंक दशमलव, इसमें एक अंक दशमलव, दशमलव बाहर 9 है, दशमलव बाहर 5 है, तो 9 में से 5 जाएगा क्योंकि घटाना 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, आपको पता ही है। फिर यहाँ पर भी दशमलव, यहाँ पर दशमलव मतलब दशमलव है, एक में से एक गया 0 मतलब यहाँ पर 0 बचा, और नीचे तो आपका 1.5 है ही, गुणा में आपका 3 ओम है, तो ओम नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, बाद में लगा देंगे। यहाँ पर दशमलव एक अंक पर है, यहाँ पर दशमलव एक अंक पर है, दशमलव एक अंक से एक अंक काट देते हैं क्योंकि हमें 10 से गुणा दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो इसलिए हम 10 से गुणा करना पड़ेगा और दशमलव भी हट जाएगा, 10 भी हट जाएगा। तो हमें क्या समझना चाहिए, ये दशमलव दशमलव कैंसिल है, मतलब 4 बटा हमारा 15 है। अब हमारा गुणा 3 है, अगर हम इसको काटते हैं तो 3 × 5 = 15, 5 बच गया, तो यहाँ पर 4/5 बच रहा है, 4/5 बच रहा है। अच्छा, 5 से 4 नहीं कटेगा तो दशमलव लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 40 बन जाएगा, तो 5×8 = 40 मतलब हमारा 8, अब ओम लगा सकते हैं, लगा लेंगे तो 0.8 ओम आ गया हमारा। ये आंसर बताइए, इसमें किसको कहाँ पर दिक्कत है, कोई दिक्कत, मैंने पहले इसको घटाया, घटाने के बाद मैंने इस तरीके से इसको इसको मैंने काटा, डिवाइड किया, क्योंकि ये ऊपर है नीचे है, एक संख्या में से ऊपर होती है। फिर बचा है 5, 5 और 4 बचा है, 4/5, 4/5 को हम 4 काटेंगे नहीं कटेगा, तो दशमलव लगाएंगे तो इसमें 0 बढ़ेगा और 5×40 कटेगा। अब हम चलते हैं ये वाली सवाल लगाते हैं, देखिए इसको कैसे करना है। मैंने इसको लिख दिया, हमें देखिए R1 ये है, R1 ये है, दोनों R1 ही है तो इसको हम एक ही तरफ कर लेंगे, तो हमारा 3/2 ये पहले से है, ये प्लस में है क्योंकि पक्षांतर वाला हमारा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो क्या प्लेलिस्ट है पक्षांतर की, 8-10-15 वीडियो हैं, क्रम से पक्षांतर सिखाए हैं, सभी चीज़ों पर पक्षांतर सिखाया हूँ, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। तो 2/3 ये प्लस में है क्योंकि जिसमें चिन्ह कुछ नहीं प्लस में रहता है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 2/3 ये माइनस में हो गया, ये हमारा दोनों हो गए, इसमें भी R1 इसमें R1, तो मतलब टोटल R1 ही है। मैं इसको बाहर रख देता हूँ आपकी सरलता के लिए, 20, 5, 3 यहाँ पर बाहर है। यहाँ पर देखते हैं इसको हम घटाना करेंगे, 3 × 9 होगा, ध्यान 2×2 = 4 होगा, मैं इसको तिरछा गुणा, 2×3 = 6 होगा, या तो आप LCM द्वारा करेंगे तब भी यही आएगा, तो मतलब मुझे पता चला 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, आपको समझ में एकदम आ जाएगा। देखिए 9 में से 4 गया तो 5 आएगा और 6/5 आएगा, और यहाँ पर R1 हो गया बराबर 20/3 हो गया। ठीक ये है, अब हमें R1 यहाँ पर छोड़ना है, R1 के बगल किसी भी चर के बगल जो चीज़ रहता है ना उसको चिपका के लिखा रहे तो वो उधर जाएगा, नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर रहेगा नीचे चला, यहाँ 5 ऊपर है और 6 नीचे है, तो इधर जब जाएगा तो हमारा कुछ ही स्थिति, 6 यहाँ ऊपर है तो नीचे तो ऊपर जाएगा, 5 ऊपर है नीचे, तो 3×2 = 6 कट गया, 5×1 = 5, 4×20 कट गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो 4×2 = 8, R1 बराबर आ गया 8। ठीक है, R1 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से 8 निकल गया। तो ये एकदम बेसिक हैं, एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं।
अब हमें बचता है ये सवाल लगाना। देखिए इसको मैं कैसे लगाता हूँ, आपके सामने लगाऊंगा बहुत ही तरीके से। एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट नीचे है, केमिस्ट्री एकदम बेसिक से है, केमिस्ट्री अगर आप सीखेंगे ना तो एकदम बेसिक से मेरे चैनल पर पढ़ा है, लिखेंगे देखेंगे तो केमिस्ट्री 11th 12th तो आपको बेसिक मिलेगा। उसमें आवर सारणी को समझना, तत्वों को समझना, कैसे हम क्रम संख्या निकाले, क्रमांक संख्या, प्रमाण भार कैसे समझे, कौन सा तत्व किस मतलब पीरियड में है, किस वर्ग में है, मतलब सब पता चल जाएगा। कौन सा इसका आप इसमें कहने का मतलब कौन से सेल में है, SPDF किस सेल में, लास्ट कोर्स किस सेल में, मतलब सब यार वैसे जान जाएंगे बिना निकाले। ऐसे ऐसे वीडियो पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में है, लिंक है, सभी देख लेना। चलिए इसको मैं बताता हूँ। देखिए इसमें मैं करता हूँ क्या, इसमें देखिए 0.1 अंक पर है, इसमें 0.1 अंक पर है, ठीक है। अगर हम इसको इसको दोनों को संख्या को जब गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर में आएगा 2 अंक पे गुणा आएगा, किस में आएगा 2 अंक पर। तो 1 अंक इसमें, 1 अंक के 2 अंक हो गए, और 2 अंक इसमें अकेले, 0.0 ये कट गया, तो क्योंकि ये दोनों मिला करके 2 अंक हो जाएगा, और 2 अंक इसमें पहले से 0.0 का, मतलब मेरा 85 ये हो गया, 16 ये हो गया, और यहाँ पर 4.5 ये हो गया, और हमारा 4 ये, सभी संख्या मैंने एक बगल ले लिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 10 वाला कैलकुलेशन करता हूँ, ये 28 है और ये 19 4 और 6 10 और 19 कितने हो गए 29, 10 की घात आपका 28 यहाँ पर और गुड़ा 10 की घात 29 यहाँ पर माइनस में, बताइए ऊपर और कुछ भी बच रहा है आपको समझने के। एफ जीरो ये तो 0.1 हटा ही दिया हूँ तो इसमें 20 ही बचेगा। अच्छा ठीक है, तो आप इसको काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 4 × 4 4×5 20, 5 से काटेंगे तो हमारा 5×5 ठीक 5×7 35 17 आ गया, मतलब 17 × 16 × 4.5 और गुड़ा में 10 की घात 29 में 28 चला जाएगा, 10 घात माइनस 1 बचेगा। अब रही बात इसको यार गुड़ा करना है, 17×18 का गुड़ा करेंगे तो मैं 17×18 का गुड़ा कर देता हूँ, 17 × 18 का गुड़ा कर देता हूँ 16 का, 16×7 = 112 कैरी व 11 गया, 16×1 = 16 16×10 आपका 26, 26×1 = 27 ठीक है, तो हमारा इतना आ गया 272, जल्दी कर रहे हैं, 1×7 = 7 हो गया, 1×1 = 1 हो गया ठीक है, तो यहाँ 2 आ गया, 7×7 = 14 2×1 = 3 = 4 इतना आ गया शायद। अब इसमें 45 का गुणा करता हूँ ठीक है, इसमें हम 4.5 का, क्या कोई गड़बड़ी अगर हुई हो तो गलती चाहता हूँ, अगर गुड़ा में मैं जल्दी से कर रहा हूँ तो कोई गलती हो सकती है, यहाँ पर 0.5 लगा है कोई दिक्कत नहीं। 5×2 = 10 5×4 = 20 20×2 = 21 5×4 = 20 20×2 = 22 और यहाँ पर कट मारे 4×2 = 8 फिर 4×4 = 16 और 16×6 और 4×4 = 17 इतना आ गया यहाँ पर 0 8×1 = 9 और 6×2 = 8 और ये 8 ही हो गया, यहाँ पर 7×2 = 9 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर 1×1 हो गया, इतना आ रहा है। कुछ ना कुछ तो गलती किया गया है यार गुड़ा, हमको लगता है कुछ ना कुछ मिस्टेक है। 17 5×5 3 गया 5×7 = 35 ठीक है, 17×16 16×7 = 112 ठीक है, 16×7 = 112 हो गया, 12 की मतलब 1×2 हो गया तो 16×16 यहाँ पर गलती हो गया क्या, हाँ 16×112 11 कह रही है, 16×16 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26 ये 27 ठीक तो है। अच्छा ये क्या है, ये 17 का कुछ किया हूँ क्या, ये 17 में कैसे क्या यार मेरा दिमाग ख़राब है, पता नहीं क्या क्या कर देता हूँ हमेशा, वही बच्चे कहेंगे कि कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं ठीक है। ये मैं 17 और 16 का गुणा किया इतना, अब इसमें डायरेक्ट हमें 45 का गुणा करना है, 5×2 = 10 5×7 = 35 35×36 = 36 5×2 = 10 10×3 = 13 फिर एक कट मारा 4×8 4×7 = 28 8 4×2 = 8 8×2 = 10 ये ऐसा आया 0 8×6 = 14 आया 8×3 = 11 11×1 = 12 आया उसके बाद 1×1 = 2 आया फिर यहाँ पर 1 आया इतना के 0.1 अंक पर है
एक अंक दशमलव यहाँ पर, मतलब हमारा यहाँ पर गुणा करने पर 1224.0 गुणा 10 की घात माइनस 1, अभी माइनस 1 है तो एक अंक दशमलव और इधर आ जाएगा तो हमारा 1.224 और 10 गायब हो जाएगा, हमारा इतना आंसर आ जाएगा इस तरीके से करने से। सॉरी मैं गलती कर दिया था गुणा में, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप थोड़ा मतलब अपने उसको ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, हो जाएगा, पढ़ लीजिए गुड़ा, मैंने बोला था गुड़ा कर लिया लेकिन सामने में करके दिखाना था मत कर दिया होगे। तो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करना, एक बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन प्लीज़ यार सपोर्टर्स सपोर्ट उस पर करिए, मैं मतलब यार जितनी भी वीडियो आप देखते हैं इसको लाइक भी नहीं करते, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल पर सबसे अधिक पड़ी है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि आंकिक प्रश्न के बीच के सवालों को हल करने कैलकुलेशन या कैलकुलेशन, तो मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में आपको ज़रूर मिलेगी और मेरी वीडियो आपको रिकमेंडेड में भी मिलेगी पक्का, इसलिए इसको आप ज़रूर देखिए। इस तरीके की वीडियो मैं इतना बनाया हूँ ना कि आप देखते देखते थक जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि यही एक वीडियो है, वीडियो बहुत सारी हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश की स्पोकन क्लास, इंग्लिश कैसे सीखें, कैसे इंग्लिश पढ़ना सीखें, इंग्लिश कैसे मतलब एक स्टेप बाई स्टेप क्लासेज हम इंग्लिश की दे रहे हैं, मतलब अभी क्रम से चल ही रही हैं। मैथ बेसिक टू एडवांस मैथ को सीखने के लिए, इस तरह कैलकुलेशन या मैथ को सीखने के लिए बेसिक मैथ टू एडवांस 0 to 0 वो भी प्लेलिस्ट है, और न्यूमेरिकल ट्रिक के सलूशन ये सारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मैं यही कामना करता हूँ। गुड लक एंड गुड बाय।